हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आरपीएफ की न्यू वैकेंसी, रेलवे के अंदर जो प्रोडक्शन पोस्ट है यहाँ पर, उसकी वैकेंसियों को लेकर काफ़ी समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, लगभग 3 से 4 महीने पहले। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं आरटीए फाइल करूँगा और आरटीए का रिप्लाई आएगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पर रिप्लाई आए हुए लगभग 2 से 3 महीने हो गए, पर मैंने वीडियो नहीं बनाया। पर अभी भी उस वीडियो के ऊपर कमेंट आते हैं छात्रों के कि आपका आरटीए का क्या हुआ, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर किया जाए जो भी अपडेट आया है। पर ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं आई, इसीलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को नहीं बना रहा था। पर अब दोस्तों, यहाँ पर जो अपडेट आपकी आ गई है वो मैं दिखा देता हूँ। एसआई और कांस्टेबल 2021 की नई वैकेंसी कब आएगी, ये चीज़ें मैंने पूछी थी। कितने पद खाली हैं, ये भी चीज़ें मैंने उस टाइम में पूछा था। क्या रिप्लाई आया है? आपको रोज़ाना वीडियो मिल जाते होंगे देखने को यूट्यूब के ऊपर कि वैकेंसी अप्रैल में आ रही थी, जून में आ रही थी, जुलाई में आ रही थी। पर दोस्तों, मैं आपको स्टार्टिंग से यही बता रहा था कि वैकेंसी का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। 2020 कोरोना से पहले यहाँ पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 9000 पदों पर घोषणा की थी, पर जैसे ही कोरोना आया उसके बाद में उसी वैकेंसी की चर्चा नहीं की गई। दोबारा बीच में कोरोना कम हुआ और रेलवे के अंदर वैकेंसियों की परीक्षाएँ होने लगी, जैसे कि NTPC ग्रुप डी है, इनकी परीक्षाएँ होने लगी। पर इसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं दिया गया। सीधी सी बात है, सरकार की मंशा नहीं थी आरपीएफ में नई वैकेंसी करने की। वो उस टाइम चुनाव या फिर कैसे भी करके उस टाइम में घोषणा की गई थी। अब वैकेंसी कब आएगी, तो दोस्तों अब आपका बिल्कुल अंधियारा ही अंधियारा है। सामने कोई भी वैकेंसी नज़र नहीं आ रही है, रेलवे की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, और मुझे तो यही लगता है कि आपकी वैकेंसी 2022 के अंदर एंड में या फिर 2023 में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि इलेक्शन उसी टाइम में है और वैकेंसी भी उसी टाइम में आनी होगी। बाकी देखते हैं कि अनाउंसमेंट नहीं हुआ तब तक आप किसी भी यूट्यूब की बात बिल्कुल भी ना माने कि कब वैकेंसी आएगी। अपना समय बर्बाद ना करें, जब भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा तभी मैं को वीडियो बनाऊंगा, रोजाना नहीं। तो आरटीए के अंदर क्या है वो भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों, आरटीआई पूछने के मामले में मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को डायरेक्ट आरटीआई लगाया था, ना कि किसी डिवीज़न किसी दूसरे आपके जोनल के अंदर लगाया था कि जोनल की वैकेंसी बताएं। फिर भी इन्होंने ऐसा जवाब दिया है कि मेरा तो दिमाग ही थोड़ा सा ख़राब हो गया, इसी वजह से मैंने वीडियो ही नहीं बनाया। डेट यहाँ पर देखते हो 1/4/2021 की डेट में रिप्लाई दिया गया है। रिप्लाई भी इन्होंने लगभग 30 से 45 दिन के बाद में दिया था। पढ़ाई में आ रहे हैं डाउट, तो दोस्तों यहाँ पर अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचिए और क्रॉप कीजिए और पाइए 5 सेकंड के अंदर आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, चाहे वो आपका सवाल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी का हो या फिर CBSE UP बिहार महाराष्ट्र राजस्थान बोर्ड का हो या फिर आपका 6 से लेकर 12 तक की या फिर IIT JEE नीट मेंस एडवांस का क्वेश्चन हो, तुरंत 5 सेकंड में आपको जवाब मिलेंगे डाउनलोड ऐप के ऊपर। और फिलहाल डाउनलोड ऐप पर चल रही हैं 6 से 12 तक की क्लासेस, IIT नीट की ऑनलाइन क्लासेस हिंदी और इंग्लिश मीडियम की, तो जाइए डाउनलोड ऐप डाउनलोड कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, नंबर 1 पर जब मैंने वैकेंसी के बारे में पूछा था तो इन्होंने बोला दी वैकेंसी इज आरपीएफ फॉर द पोस्ट ऑफ SI 744 और कांस्टेबल की 1205 वैकेंसी यहाँ पर हैं। इन्होंने अब ये वैकेंट हैं कि नहीं है इसको लेकर भी कोई रिप्लाई नहीं दिया है। और नंबर 2 पर जो मैंने पूछा था कि वैकेंसी कब आएगी, तो यहाँ पर इन्होंने बोला द इन्फॉर्मेशन इज सेपरेट ओवर वर्जन जोनल रेलवे एंड आपकी जो विद मोर देन 1 पब्लिक अथॉराइज़ जो आपका है इसके अंदर इन्होंने साफ मतलब कुछ क्लियरली इसमें मेंशन नहीं किया गया है आपकी मतलब कि अलग अलग जोनल रेलवे की वैकेंसी के अंदर क्या कुछ था। अपील का भी ऑप्शन दिया, मतलब ना तो इन्होंने ये बताया कि वैकेंसी हम निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, ना ही क्लियरली मुझे लगता है आरपीएफ में इतनी वैकेंसी नहीं, इससे ज़्यादा खाली है। कम से कम 8 से 10 हज़ार से ज़्यादा कांस्टेबल की वैकेंसी खाली है और ऐसा ही कि हो सकता है आपकी 1000 से 2000 के बीच में ऐसा की भी आराम से खाली होगी इतनी वैकेंसी। पर इन्होंने क्लियरली कुछ भी डाटा नहीं दिया, फिर अपील मैंने नहीं लगाया क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ का रिप्लाई ये नहीं देंगे, तो कोई इस चीज़ का मतलब नहीं था। रेलवे आपका आरटीआई का रिप्लाई बहुत ही वैकेंसी के रिगार्डिंग में बहुत ही कम चांसेज हैं कि आपको सही रिप्लाई मिल जाए इनका, तो इसीलिए मैंने इसको नहीं अपडेट किया। पर जैसे कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट ज़रूर होगा, जब भी रेलवे के अंदर वैकेंसी आएगी आपके सभी नेता हैं वो आएंगे, बताएंगे आपको कि वैकेंसी कब आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, तभी कुछ चीज़ें क्लियर होगी। बाकी ऐसे वीडियो बनाने में क्या है, रोज़ाना वीडियो आ रहे हैं, आप देखते रहो, टाइम वेस्ट मत करो दोस्तों, अपनी प्रिपरेशन करते रहें और जॉब्स की जैसे ही आएगी आपको अपडेट मिल जाएगा। वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।